कोटेशन निकालना है, प्राइस पूछिए कस्टमर ने, या फिर मुझे कस्टम क्लियरेंस करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एक्सपोर्ट में आते हैं और फिर उसके लिए हम जवाब ढूंढते हैं, अरे किसके पास जाए तब जाके ये सब मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यस, देयर आर सम स्टेक होल्डर्स इन द एक्सपोर्ट बिजनेस दैट दे कैन हेल्प यू हाउ टू गेट द लाइक कोड, हाउ टू गेट द कस्टम क्लियरेंस एंड हाउ योर कार्गो विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो दैट Why? So if you are that person that you want to start the business journey with the international business, yes, join us to Global Fortune Mission by registering www.kdsushma.com/book now. And yes, we will like conducting बहुत सारे ऐसे sessions, activities, बहुत सारी चीजें चलती है ताकि apart from the training, how I can help you to build up your journey as an exporter. Okay? So अगर रही बात की मुझे कौन help करेगा for the quotation and all other things, so you need to understand the role of CHA and FF in the export business. So what is mean by CHA? CHA is custom house agent होता है and FF is freight forwarder होता है. So आपको पहले एक तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि CHA FF तो होते हैं, तो उनको ढूंढना पड़ेगा. दूसरी बात, what is the difference between CHA and FF? तो हु इज द पर्सन, लाइक कब जाके कौन हेल्प करने वाला है, सीएचए को कब कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है एंड एफएफ को कब कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है, राइट? तो इस पूरे बिजनेस में जो ये स्टेक होल्डर्स है, दे आर मैंडेटरी, यू कांट बाईपास देम एक्चुअली. लाइक मैं ही सब करूंगा, उनकी जरूरत नहीं मुझे, दैट इज नॉट एप्लीकेबल. इन दोनों के अलावा आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो ही नहीं सकता. ओके, तो आपको इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. बट वेन यू विल कनेक्ट टू होम, तो अगर मैं कहूँ कि चलो एक्सपोर्टर ने मतलब एक्सपोर्ट करना चाहा और आपके कस्टमर ने आपको कोटेशन मांगा है, कैन यू प्लीज कोट मी एफओबी प्राइस, कैन यू प्लीज कोट मी सीआई प्राइस. सो आपको अभी क्वेश्चन आया कि चलो मुझे मेरे प्रोडक्ट के प्राइस तो पता है, लेकिन ये आगे वाली प्राइस कैसे निकाले, तो उसके लिए आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा और कौन आपको वो प्राइस देगा. सो इन दैट केस यू नीड टू कनेक्ट टू द एफएफ, फ्रेट फॉरवर्डर को कनेक्ट करना पड़ेगा. और फॉरवर्डर इज द पर्सन दैट दे विल गिव यू द प्राइस फ्रॉम द एक्सपैक्ट्री टू द डेस्टिनेशन व्हाट यू वेयर यू वांट टू शिफ्ट. लाइक अगर आप पोर्ट पे शिफ्ट करना चाहते हो तो वहां तक की कोटेशन वो पूरा देगा, या फिर अगर आप प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को शिफ्ट करना चाहते हो, कंट्री के डेस्टिनेशन को, वहां के पोर्ट को शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपको वहां की भी प्राइस देगा. लाइक तो एफएफ का काम ये होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना. और इन बिटवीन द प्रोसेस जितनी भी सारी चीजें आती है वो फॉरवर्डर हैंडल करता है. ओके, एंड फॉरवर्डर इज द लाइक नॉर्मल बिजनेस, जैसे हम लोकल में ट्रांसपोर्टर जैसे बोलते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेके जाता है, सेम वे फॉरवर्डर वही काम करता है, लेकिन बस इसका स्कोप इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा होता है, राइट? द सेकंड थिंग इज लाइक चलो कोटेशन तो मिला, अभी गुड्स लेके जाना है, तो फॉरवर्डर विल टेक केयर ऑफ दैट, बट हु विल क्लियर योर कार्गो एट द कस्टम? डेफिनेटली कस्टम ही कार क्लियर करता है, लेकिन कस्टम को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? हमारा तो रोल वहां पे आता है नहीं पोर्ट पे, तो उसके लिए कौन बंदा है कि जो कोऑर्डिनेट करता है? एंड लाइक दैट नेम ऑफ द पर्सन इज CHA, कस्टम हाउस एजेंट होता है, दैट हु इज टेकिंग केयर ऑफ द कस्टम क्लियरेंस एक्टिविटी एट द पोर्ट. And they are coordinating with the Indian custom also. So आपके लिए port पे authority के coordination का सारा काम CHA handle करता है, आपका custom clearance goods का करने का काम भी वही करता है, और बाकी जो formatting like procedural formalities होती है, documentation formalities होती है, उसका काम भी CHA complete करता है. Okay? So CHA is the person for the custom clearance activity, forwarder is the person for the carrying and forwarding activity. But ये भी हो सकता है CHA and FF can be the one person. और कैन बी डिफरेंट. और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर समझ के चलो कि चलो मैं फॉरवर्डर हूं, तो मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम तो करती हूँ, लेकिन मेरे पास कस्टम क्लियरेंस को हैंडल करने का जो इंडियन कस्टम ने इश्यू किया गया ऑथराइज लाइसेंस होता है, दैट आई डोंट हैव, एंड दैट इज व्हाई आई कांट परफॉर्म द टास्क ऑफ कस्टम क्लियरेंस दैट इज लाइक हैंडलिंग बाय द CHA. सो जो CHA है उसके पास कस्टम ने इश्यू किया गया मैंडेटरी लाइक ऑथराइज लाइसेंस होता है, एंड देन ओनली दे कैन परफॉर्म दैट एक्टिविटी.
सो आपके लिए बस ये चेक करना है कि हो सकता है कि आपने जिससे कनेक्ट किया है माइट बी दैट पर्सन इज हैंडलिंग एफएफ एंड सीएचयू बोथ एक्टिविटीज और माइट बी दे आर हैंडलिंग इन ओनली वन एक्टिविटी, बट अगर आप एफएफ से भी कनेक्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एफएफ हैज अ कनेक्शन विद द सीएचयू, सो क्योंकि वो लिंकेज एक्टिविटी चलती है इसीलिए उन सारे लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट कनेक्ट टू द एफएफ और सीएचए एंड यस यू विल गेट द बोथ एक्टिविटीज एंड बोथ द सर्विसेज एट वन प्लेस। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि किसको कब कनेक्ट करना है और किसके साथ कब मतलब कॉन्टैक्ट में रहना है, तब जाके आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का बिजनेस जल्दी से आसानी से चालू हो सकता है। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, क्लैरिटी लो, कंसेप्ट क्लियर करो, बस मुझे सब पता है इट्स अ मिथ एक्चुअली, ऐसे कभी नहीं होता बिकॉज बिजनेस इज ऑलरेडी इम्प्रूविंग डे बाय डे, अपडेटिंग डे बाय डे, और आप अगर दुनिया के साथ नहीं चलोगे एक्सपोर्ट तो हाईली इम्पॉसिबल है क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केट इज चेंजिंग एवरी डे, सो यू नीड टू हैव अपडेट विथ यू देन एंड देन ओनली यू कैन सस्टेन इन द बिजनेस। एंड फॉर द अपडेट यस like I said, I am taking the one weekly mentoring sessions for my students, like जितना मैं market में study कर रही हूँ और जो भी हमारे experts हैं वो भी जो कर रहे हैं, तो अगर मेरे students को पता चले तो शायद वो जल्दी अपनी journey चालू कर सकते हैं। So if you are that person, you want to start your business, yes connect me and we will go together, we shall achieve mission to growth. So take action, start your journey, comment in the comment box अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो, and yes अभी और भी बताएं कि आपको कौन से और topic में video सुनने की मतलब हेल्प हो सकती है, एंड यस यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी, टेक एक्शन, जय हिंद।